जितना वी कैन फाइंड न्यू टैलेंट एंड प्रमोट न्यू टैलेंट थ्रू आवर फिल्म्स आर म्यूजिक. तो दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस. ऐसे ही एक शो से आपने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी. हाँ जी, मैंने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताया. मैं एक्चुअली जब 10 साल का था, मैं सारे का मापा में मैंने भाग लिया था और आज मुझे लगता है कि आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है, लेकिन आई एम फीलिंग रियली ऑसम बिकॉज वी आर प्रमोटिंग यंग टैलेंट एंड मुझे लगता है कि इंडिया में यंग टैलेंट का ऊपर आना और उभरना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ताकि वो बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाए एंड हमारे देश का नाम आगे इंटरनेशनल में एक यू नो ग्लोबल एक्सपोजर लेके आए. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं ये अपने भाई के साथ कर रहा हूँ. सो यू नो आई एम रियली एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ये भी पहली बार हो रहा है कि दोनों भाई मिलकर एक सिंगिंग रियलिटी शो को जज कर रहे हैं. बिल्कुल जी, ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है और बेनिटल बिग गोल्डन वॉइस में हो रहा है, वो भी सीजन 4 में हो रहा है, ये बताना जरूरी है. सीजन 4 ये अब आप दोनों यहाँ पर हैं, बातें तो डेफिनेटली और भी है, बहुत सारी है जो हम आगे भी करने वाले हैं, लेकिन म्यूजिक के बिना बात अधूरी रह जाएगी. तो क्या सुनाएंगे आप? अमल एक गाना सुनाए, मैं एक गाना सुनाऊंगा. चूज कर लो पहले कौन सा गाना गा लो. मेरा एक गाना आया था अजहर फिल्म से, बोल दो ना जरा. I'll sing a few lines of that song. इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं कहीं. देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं. Come on. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं. मैं चाहता हूं कि आप वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, देश भर से जो आवाजें आने वाली हैं आपके सामने आने वाली है, हो सकता है कोई नर्वस हो जाए, कोई घबरा जाए, तो क्या उनको आप कहना चाहेंगे? आई थिंक ये डिसीजन भी बहुत एक अच्छी बात है कि मेजर अरमान को साथ में लाया गया, क्योंकि एक सिंगर के पर्सपेक्टिव से यू नो आपको एक एडवाइस मिलेगी और एक म्यूजिशियन और म्यूजिक डायरेक्टर की ओर से मिलती है. तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू से कि जो भी यहाँ आए इस मंच पर परफॉर्म करे, और सबसे जरूरी है सुर ताल तो जरूरी होता ही है कि आप दिल से गाए एंड यू रीच आउट टू आवर हार्ट्स. बिकॉज टुडे लाइक फिल्म म्यूजिक हो या नॉन फिल्म म्यूजिक हो, सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी आवाज में एक वो बात हो जो सुनकी लगे कि कौन है, मैं जानना चाहता हूँ किसकी आवाज है. तो जब तक आप वो नहीं कर सकते आई थिंक देन इट्स मोर टफर टू यू नो रीच आउट. इट्स इम्पॉर्टेंट कि सुर और ताल के साथ आपकी एक यूनिकनेस हो आवाज में और कहीं ना कहीं वो एक दिल को छूने वाली बात हो. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिंगर एंड बाकी टेक्निकली तो अरमान विल एक्सप्लेन व्हाट ही वांट्स. मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जब सुनूंगा देन आई विल बी एबल टू से, बट आई वुड लाइक टू गिव ऑल द कॉन्फिडेंस टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है बहुत अच्छा टैलेंट भी जब आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होता है. तो आई थिंक दे शुड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यहाँ पे आना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि दैट दे आर द स्टार्स एंड यू नो दे आर गोना बी द बिगेस्ट सिंगर्स ऑफ दिस कंट्री. क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ये था and that's why I feel कि अगर उनमें वो confidence हो so they will definitely win this competition. Not completely, I think हम लोग काफी young भी है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए कि कोई you know senior लोगों के सामने perform कर रहे. We are your age only but obviously we're musicians and singers so just feel like we're one and perform for us. तो कोने में खड़े रखकर आप डांटने नहीं वाले बल्कि कंधे पर हाथ रखकर समझाने वाले कंटेस्टेंट. जी हाँ. चलिए thank you so much कि आपने Benetton Big Golden Voice Season 4 को जज करने की
अपनी अनुमति दी है एंड नाउ आई थ्रो ओपन मीडिया अपने सवाल पूछ सकते हैं या प्रेपरेशन तो कंटेस्टेंट्स को करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा टफ टास्क मास्टर्स भी हैं अरमान एंड मी एंड वी हैव जस्ट कम कि हम एक शो को जज कर रहे हैं जो पहली बार हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और रेडियो का शो है सो बहुत अच्छी बात है कि यू नो समटाइम्स टीवी शोज होते हैं रियलिटी शोज होते हैं बट ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड इट्स द फोर्थ सीजन एंड आफ्टर रियली सीनियर जजेस हमें एक मौका मिला है एंड एज यंगस्टर्स वी आर रियली प्राउड सो आई थिंक वी जस्ट गोइंग टू लुक आउट फॉर द बेस्ट वॉइस और जो मेरे दिल को छुए जो अरमान और मुझे सही लगे एंड बस दैट्स द प्लान वी हैव कम विद अरमान आप एक शो से आए हो तो आपके लिए कितना इजी और इजी होने वाला है एक्चुअली मुझे लगता है कि हर एक कॉम्पिटिशन टफ ही होता है एंड अगर आप पूरे देश के टैलेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे हो तो वो और भी चैलेंजिंग हो जाता है मैं खुद एक रियलिटी शो का पार्ट रह चुका हूँ एंड टॉप 10 में भी आ चुका हूँ लेकिन मैं उस शो को जीता नहीं था मैं 7th पोजीशन पे आउट हो गया था लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दैट आप उस हार को यू नो नेगेटिव तरीके में ले लो मैंने उसके बाद और मेहनत की एंड आई वेंट एंड डिड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग एंड जो मेरे ड्रीम्स थे उसको चेज किए तो आई थिंक कि जीतना और हारना इतना मायने नहीं रखता है इस कॉम्पिटिशन में कॉन्फिडेंस के साथ और यू नो टैलेंट अगर है आप में तो आई थिंक डेफिनेटली द रियल विनर विल कम आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन जजेस की बात करें तो हमेशा 2 या 3 जितने भी जजेस हो एक सलाह मशवरा की जरूरत पड़ती है जी आप दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है क्योंकि अमाल म्यूजिक डायरेक्टर है आप म्यूजिक सिंगर हैं तो एक्चुअली बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपको दोनों पर्सपेक्टिव से एडवाइस मिलेगी अमल यू नो कॉम्पोजिशन के तरीके और प्लेबैक सिंगिंग म्यूजिक डायरेक्टर के यू नो पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकता हूँ कि यू नो एक कॉम्पिटिशन में गाना एंड एक माइक के पीछे गाना में बहुत डिफरेंस होता है जैसे लोग स्टेज शोज करते हैं बट व्हेन दे कम बिहाइंड द माइक उनकी ही आवाज इतनी अच्छी नहीं लगती So maybe I can guide them with mic techniques ki, you know, itna expression hona chahiye, nahi hona chahiye. To ek alag hi unique combination bana hai of mine and Arman's, kyunki ek singer ka perspective aur ek composer ka perspective aapko mile. Iske alawa, Arman, abhi aapka janamdin kya hai? Jee, happy birthday. Thank you so much. मैं एक्चुअली लंदन में था यूके में एंड वहाँ पे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 21st बर्थडे एंड वहाँ पे मैं अपने वर्ल्ड टूर को प्रमोट कर रहा था तो उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बर्थडे को भी वहाँ पे सेलिब्रेट करूँ तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई जस्ट केम बैक मैं आज सुबह ही आया हूँ वहाँ से जी ध्यान में रख के तो नहीं करूँगा मेरे अंकल बहुत सुपर्ब जज रह चुके हैं इंडियन आइडल के लिए ही इज बिन द फेस ऑफ इंडियन आइडल सो उन सब में से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है आई थिंक सलीम मर्चेंट जो है इंडियन आइडल के भी जज रह चुके हैं तो सबसे मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ सलीम सर से क्या काम को मैं असिस्ट भी कर चुका हूँ तो उनकी जजिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो ऑनेस्ट है एंड जो उनके दिल में होता है वो साफ साफ कहता है कंटेस्टेंट से सो You know, Salim Merchant and Annu Uncle, इन लोग दोनों की स्टाइल से I like the way they judge. मैं ये मेरा पहला टाइम है जजिंग का तो मुझे कुछ भी नहीं पता है बट मैं सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना चाहता हूँ और टैलेंट पे फोकस करना चाहता हूँ एंड जिसकी भी आवाज़ हमारे दिल को छुए आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि फील इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली सुर ताल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ सिंगर लेकिन आज के ज़माने में आज का जो प्लेबैक सिंगिंग उसमें फील बहुत ऊपर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी तो मुझे लगता है कि जब किसी का एक वॉइस का जो क्वालिटी और वो फील हमें छू जाए तो आई थिंक दैट दैट इज़ व्हाट वी विल बी सर्चिंग फॉर दैट विल बी द गोल्डन वॉइस यस मैं अपना खुद का एक जजिंग क्वालिटी लेके आना चाहता हूँ ये सबसे पहली बार मैं कर रहा हूँ तो आई वुड लाइक टू क्रिएट माय ओन स्टाइल एंड माय ओन यूनिक वे काफी
अभी हमारी एक मेरी एक फिल्म है बार बार देखो, जो आज काला चश्मा करके उनका एक गाना है, बट सेकंड सॉन्ग जो आ रहा है सौ आसमान, वो अरमान ने गाया है, मेरा म्यूजिक है, सो दैट विल बी कमिंग सून। बस यूजुअली जितने भी गाने आप मैं रहूँ या ना रहूँ, लो बोल दो ना जरा सब तेरा, जब जिस जिस बार मैंने और अरमान ने साथ में एक गाना किया जब मेरा म्यूजिक है और इसने गाया है, वो आप लोग सब ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, सो आई थिंक दिस सॉन्ग विल ऑल्सो रीच आउट एंड रीच इन टू योर हार्ट्स। सर काला चश्मा मेरा गाना नहीं है और मुझे आता नहीं है पंजाबी, तो मैं नहीं गा पाऊँ, बट सुपर हिट गाना है बादशाह का, तो मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे देखो, व्यूज बढ़ाओ, मुझसे मत गवाओ। कंटेस्टेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इस एक फोकस से आना चाहिए दैट यू रियली टेक सिंगिंग सीरियसली, और आप फिल्म्स नॉन फिल्म्स इन दोनों पे फोकस करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी आवाज़ ढूंढूं, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू वॉइसेस, और ऐसी कोई आवाज़ मुझे मिले तो आई वुड रियली श्योरली वॉन्ट टू यूज़ दैट वॉइस इन माई फिल्म और इन माई सिंगल्स दैट आई डू। तो यू नो एक यूनिक आवाज़ की तलाश है, और जो जीतेगा ये कॉम्पिटिशन या जीतेगी ये कॉम्पिटिशन, मैं उनके साथ काम करूँगा एंड आई विल श्योरली गिव देम अ सॉन्ग इन माई फिल्म।